का समर्थन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित पूर्व जिलाध्यक्ष और पूर्व विधायक श्री राम दर्शन यादव जी, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आज के इस कार्यक्रम में बाबा भंवरनाथ के चरणों में नमन करते हुए महान विचारक, लेखक और साहित्यकार महापंडित राहुल सांकृत्यायन की इस भूमि को, जिसने साहित्य के क्षेत्र में अनेक विभूतियों को गढ़ा है, मैं इसे कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आजमगढ़ की धरती एक बार फिर से आजमगढ़ वासियों को एक अवसर दे रही है और वह अवसर है इस उपचुनाव के माध्यम से कि हमें आजमगढ़ को कहां लेके जाना है। याद करिए, आजमगढ़ ने दो दो मुख्यमंत्री दिए लेकिन आजमगढ़ का विकास नहीं हो पाया। आजमगढ़ के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया, विकास भी नहीं हुआ लेकिन पहचान का संकट आपके सामने खड़ा हो गया। याद करिए, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय आजमगढ़ का नौजवान जब देश के अंदर कहीं जाता था तो भाइयों बहनों, होटल में उसे कमरा नहीं मिलता था, धर्मशाला में लोग टिकने नहीं देते थे, अपने घर में किराए के मकान को भी नहीं देने दिया जाता था। आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी की सरकार ने आतंकवाद का गढ़ बना दिया था, बहुजन समाजवादी पार्टी भी उससे कभी अपने आप को मुक्त नहीं कर पाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है